हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का सातवां चैप्टर पढ़ रहे हैं, साम्यावस्था। इसकी थ्योरी वाली पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब हम प्रश्नोत्तर शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए, पहला है स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है तथा अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, साम्यावस्था का मतलब यह है कि द्रव से भाप बनना और भाप से द्रव बनना दोनों एकदम बराबर चल रहा है। इस अवस्था में पात्र का आयतन बढ़ जाता है, पात्र को बड़ा कर देते हैं। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला पूछा है वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ा, दूसरा प्रारंभिक वाष्पन तथा संघनन दर में क्या परिवर्तन हुआ, तीसरा क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है तथा अंतिम वाष्प दाब का क्या होगा। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, शुरू में जब आयतन बढ़ाओगे तो भाप कम पड़ जाएगा बड़े आयतन के लिए, तो शुरू में वाष्प दाब घट जाएगा, लेकिन जब पुनः साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा तो वाष्प दाब फिर उतना ही हो जाएगा। देखिए लिखा है, प्रारंभ में वाष्प दाब घटता है क्योंकि समान मात्रा की वाष्प बड़े स्थान पर बढ़ जाती है, तो शुरू में वाष्प दाब घट जाएगा। ये शुरू की ही बात कर रहे हैं, इसे शुरू में घट जाएगा। दूसरा, प्रारंभिक वाष्पन तथा संघनन दर में क्या परिवर्तन हुआ? तो उत्तर क्या आएगा? प्रारंभ में वाष्पन की दर बढ़ती है क्योंकि ज्यादा स्थान उपलब्ध होता है, परंतु इकाई आयतन में उपस्थित वाष्प घटती है आयतन बढ़ने पर, इसलिए संघनन की दर प्रारंभ में घटती है। जब आप आयतन बढ़ा दिए तो भाप ज्यादा जगह में फैल गया है ना, इसलिए शुरू में उसका वाष्प दाब जब घटा तो वाष्पन की प्रक्रिया शुरू में बढ़ जाएगी और ज्यादा वाष्प बनने के बाद फिर साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। तो शुरू में जब आयतन बढ़ा दिए उस समय वाष्प दाब घटेगी, ठीक है, और संघनन दर जो है वो भी घट जाएगी। देखिए, आयतन बढ़ने पर संघनन दर प्रारंभ में घटती है क्योंकि ज्यादा जगह में फैल गए ना, तो उनको वापस संघनित होना नहीं पड़ेगा, जब तक वाष्प दाब फिर से वापस नहीं बढ़ जाएगा तब तक। तीसरा, क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है तथा अंतिम वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां पर वो दिख नहीं रहा है, मेरे ध्यान में आया तीसरा वाला का उत्तर, मैं बता देता हूं आपको। जब साम्यावस्था पुनः स्थापित हो जाएगा तो वाष्प दाब उतना ही बन जाएगा जितना शुरू में था आयतन बढ़ाने से पहले, यानी वाष्प दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो प्रारंभ में वाष्प दाब था उतना ही हो जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब ताप पर निर्भर करते हैं, हम ताप को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वाष्प उतना ही फिर से बंद करके वापस वाष्प दाब बन जाएगा, उतना ही वाष्प दाब बन जाएगा जो शुरू में था आयतन बढ़ाने से पहले था उतना बन जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे कि जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा तब अग्र दिशा की और प्रतीप दिशा की प्रक्रिया बराबर हो जाएंगी, तो वाष्प दाब उतना ही फिर स्थापित हो जाएगा क्योंकि वो ताप पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ये लिख करके आप उसको बना लीजिएगा, दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्न रासायनिक साम्य के लिए केसी का मान ज्ञात करिए। ये केसी है, केसी का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि देखिए केसी निकाला है यहां आगे में, है ना, तो केसी है वो, छपने में थोड़ा गलत हो गया है। केसी का मान ज्ञात कीजिए जब साम्यावस्था में सांद्रण है कितना कितना, SO2 का इतना है 0.60 मोल, ऑक्सीजन का है 0.82 मोल और SO3 का है 1.90 मोल। इस समय कैसी साम्यावस्था होगी, केसी का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक जो समीकरण है वो लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण क्या होगा, ट्वाइस SO2 प्लस O2 ट्वाइस SO3, क्योंकि अगर आप समीकरण को सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, आपको नहीं बनता है, नहीं लिख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह के नोट्स बना लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, बस वही पूछेगा, दूसरा नहीं पूछेगा, इसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब केसी का मान क्या होता है, प्रोडक्ट होता है और उसके बेटे जो है रिएक्टेंट होता है, तो ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है SO3 और SO3 में ट्वाइस लगा है, इसलिए यहां पर स्क्वायर हो गया, इसमें भी स्क्वायर आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये देखिए ये है ना, तो ऐसा आप लिख लिए, अब मान को रख दीजिए।
SO3 का मान दिया है 1.90, रख दीजिए स्क्वायर एम स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। और SO2 का स्क्वायर, SO2 कितना दिया है 0.60, ये देखिए 0.60 मोलर का स्क्वायर, और O2 का दिया है 0.82 मोलर, ठीक है। तो अब नीचे में ये एम स्क्वायर हो गया और ये एम हो गया, मतलब नीचे में तीन एम हो गए और ऊपर में दो एम है, ठीक है। तो ऊपर में दो है, नीचे में एक है, इसलिए एम माइनस वन आ गया, मतलब नीचे का एक ज्यादा हो गया, ऐसा दिखा रहा है। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए और इसको ना हो, तो इन सब का गुणा भाग करेंगे तो 12.29 और आ रहा है। तो 12.229 ये केसी का मान है और ये आएगा लीटर पर मोल, क्योंकि केसी का मान हमको लीटर पर मोल में यहां पर मिलना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ये इसका अलग स्क्वायर होगा, इसका अलग होगा, वैसे ही इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ये नॉर्मल है, इसलिए नीचे m m का क्यूब होगा और ऊपर m स्क्वायर होगा, इसलिए m माइनस वन है, नीचे में एक m ज्यादा है। m माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि ये नीचे में है, m नीचे में है, इसका ये मतलब है, ठीक। नेक्स्ट, यहां पर थोड़ा सा जो स्क्रीन है आपको थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखेगा, क्योंकि ये जो बनाया हुआ है ये थोड़ा सा ये स्लाइड ही ऐसा बन गया है, ठीक है। तो आप फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं, बढ़िया काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज बता दूं कि फिजिक्स की क्लास चालू होने वाली है ना, एक चैप्टर का वीडियो तो आएगा, लेकिन उसके बाद आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। मेंबरशिप के लिए मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 399 का चार्ज हम लोग रखेंगे फिजिक्स पढ़ने का, क्योंकि फिजिक्स के टीचर जो आ रहे हैं उनको मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़े से माइनर चार्जेस देने रहेंगे मंथली, वो भी रोज का नहीं, मंथली 399 यानी 400 रुपए मान लो मंथली आपको खर्चा करना पड़ेगा। और फिजिक्स आपको डेली एक वीडियो मतलब लाइव क्लास मिल जाएगी, और लाइव अगर नहीं भी अटेंड कर पाएंगे तो 24 घंटे के लिए वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप 24 घंटे में कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़वाने वाला हूं मैं आपको, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखेंगे कि एक दो दिन में ही ये वीडियो आपको मिलने वाला है, सैंपल वीडियो, क्योंकि अगर टीचर आपको पसंद आते हैं तभी आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बढ़िया टीचर है, वो जाने माने टीचर है फिजिक्स के, इसलिए मैं उनको हायर किया हूँ, लेकिन उनको काफी अच्छे पैसे देने पड़ रहे हैं मुझे, इसलिए आपसे थोड़े से पैसे में लेने वाला हूँ, मेंबरशिप में इसको ज्वाइन कराऊंगा मैं। और मेंबरशिप में आप ज्वाइन करके कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अलग से वीडियो जारी करूंगा मैं उसका, कि मेंबरशिप आप कैसे ज्वाइन करेंगे, और उसमें आपको मंथली 400 रुपए फीस देनी पड़ेगी, बहुत थोड़ा है, आप देख सकते हैं लाखों रुपए लोग लेते हैं, उसी के लिए मैं बहुत थोड़ी सी फीस में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, वो भी तब जब वो मेरे से फीस लेने वाले हैं, इसलिए नहीं तो मैं फ्री करा देता आपको पूरा। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री है बायोलॉजी दोनों फ्री में करा रहा हूँ आपसे आपको, लेकिन वहां पर थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसका एक फायदा ये भी है कि वीडियो में कहीं पर भी लाइव मिलेगा, बाद में भी वीडियो देखते हैं तो बीच में शुरू में कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा आपको, तो डिस्टर्ब नहीं हुआ और बढ़िया से कंटिन्यू आपको सब कुछ मिलेगा। तो एक दो दिन में वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो 10^8 पास्कल दाब पर तथा निश्चित ताप पर आयोडीन वाष्प में 40% आयतन के माप पर आयोडीन परमाणु है, ठीक है। तो ये दाब है और आयोडीन के परमाणु है 40%, है ना, मतलब ये आयोडीन गैस के रूप में, ये एक्चुअली थोड़ा सा यहां पर गलत छपा है, ये I2 गैस से ये ऐसा ट्वाइस आई गैस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहां पर गलत छप गया, कोई बात नहीं, सामग्री गणना करें तो केपी की गणना करना है, केपी की गणना करना है, ठीक है। तो अब इस साम्यवस्था में I2 जो है 60% है और ट्वाइस आई जो है ये 40% है, मतलब आई परमाणु के रूप में 40% है और अणु के रूप में 60% है। अणु परमाणु समझ रहे होंगे आप कि ये 60% अणु है और ये 40% परमाणु है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है, ठीक। अब यानी कि 60 और 40 का मतलब अगर आप निकालें तो 3 और 2 का रेशियो आ रहा है, 3 और 2 का, है ना, जहां पर 3 I2 है वहां पर 2 I है, ऐसा मतलब है।
तो अंश प्रभाज क्या होगा इसका, मतलब इसका अंश कितना मिला, टोटल पांच है, टोटल पांच हो ना, जिसमें से तीन ये है और दो ये है, तो अंश प्रभाज कितना हुआ, पांच में से तीन आई टू है, ठीक है, और पांच में से दो आई है, ये दोनों का अंश प्रभाज है। देखिए आई का अंश प्रभाज पांच में से दो और आई टू का अंश प्रभाज पांच में से तीन है। आप इसको इस तरह से समझिए, अंश प्रभाज, देखिए अंश का मतलब होता है पार्ट, टोटल में से कितना पार्ट ये है और कितना पार्ट वो है, ऐसा। तो पांच है, पांच में से तीन पार्ट इसका है और दो पार्ट उसका है, ये है अंश प्रभाज। प्रभाज का मतलब होता है हिस्सा का वैल्यू, अंश का मतलब हिस्सा और प्रभाज का मतलब वैल्यू, कितना हिस्सा है उसका। तो पांच में से तीन हिस्सा है और पांच में से दो हिस्सा है, इसका ये मतलब है, ठीक है, अंश प्रभाज शब्द का मतलब आपको बताता था, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि आप यहां पर टोटल पी आई टू यानी प्रेशर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आई टू के अणुओं की संख्या और टोटल अणुओं की संख्या गुणितता, ठीक है, तो आई टू के अणु और टोटल अणु का मतलब है अंश प्रभाज ये और ये, ठीक है, तो आई टू के लिए निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा तीन बटा पांच, है ना, और टोटल, टोटल दाब कितना है, तो टोटल दाब यहां पर दिया है 10^8 पास्कल, पास्कल दिया है, ठीक है, तो ये टोटल दाब हो गया 10^8 लिखा है लेकिन पांच में कैलकुलेट हुआ है ना, तो पांच है ये यहां पर गलत लिख दिया, ये पांच है। अब मैंने भी किसी वेबसाइट से इसको लिया है तो थोड़े से प्रिंट मिस्टेक होते ही है, पहले वाले वीडियोस में भी देखे हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आप चिंता ना करें, वो मैं सुधरवा के बताऊंगा आपको। तो टोटल दाब है, पी आई टू, आई टू का दाब है 10^5, मतलब यहां पर 10^5 जो है टोटल दाब लिया है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे अपन, इस फार्मूले में 3/5 और दाब है 10^5, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना पास्कल आ रहा है, ठीक है, आई टू का, और आई का दाब आप निकालेंगे तो इतना आ रहा है। अब इन दोनों दाब का अनुपात निकालना है अपने केपी, तो चूंकि आई जो है आपने फार्मूले में यहां पर देखा, मैंने जो लिखा था कि आई टू साम्यावस्था में है तो ये ट्वाइस आई है, तो आई में स्क्वेयर लगाना पड़ेगा ना आपको, ये देखिए पी आई में आपको स्क्वेयर लगाना पड़ेगा और पी आई टू आप नॉर्मल रखेंगे, पी आई टू है वो नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे दब जा रहा है एक्चुअली, ये पता नहीं कैसे फुल में क्यों नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है, चलो देखेंगे अपन इसको। अब इन दोनों का मान रखिए, है ना, आई का मान ये है, पी आई का मान और पी आई टू का मान ये है, तो आई में स्क्वायर रखिए और आई में इसको रखिए, आ गया आंसर, अब देखिए, है ना, तो ये आंसर आ गया टोटल पास्कल। तो ये जो केपी का मान है ये आ गया इतना, कैसे रखा हमने, पहले दोनों का अंश प्रभाज निकाला, फिर दोनों का प्रेशर निकाला हमने अलग अलग प्रेशर, तो आई टू का प्रेशर इतना आया और आई का प्रेशर इतना आया, और केपी का मतलब है आई का स्क्वायर और आई टू, ये आपको रखना पड़ेगा, तो ये आपने रखा तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक केसी के लिए व्यंजक लिखिए, ये केसी है, ठीक है, केसी के लिए व्यंजक, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, देखिए के का मान सी और पी आप जानते हैं ना, सी मतलब विलयन है कोई चीज, मतलब द्रव में स्थित है, और पी का मान प्रेशर है, मतलब गैस का मान है, तो गैस और द्रव के लिए हम बात करते हैं, तो एक एक के लिए रखते जाते हैं, देखें ट्वाइस एनओ सीएल, ट्वाइस एनओ प्लस सीएल,
अब इसके लिए क्या रहेगा, तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट होता है हमेशा। और प्रोडक्ट में यहां पर स्क्वायर लग जाएगा, देखिए ये देखिए NO का स्क्वायर लग गया और Cl2 नॉर्मल रहेगा, यहां पर भी स्क्वायर लगेगा तो NOCl के ऊपर स्क्वायर लग गया। तो बहुत सिंपल है फार्मूला। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है एक प्रकार, लेकिन दिया है तो आंसर आपको लिखना है इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट और NO3 का भी ट्वाइस है, यहां पर देखेंगे तो ध्यान से ना ऐसा है, तो उसको नहीं लिखना है अपने को, ये टोटल ये एक ही यूनिट है, कॉपर नाइट्रेट एक यूनिट है ऐसा, इसका ट्वाइस है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब नीचे में जब लिखेंगे तो इसकी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका टेट्रा पावर आ जाएगा, पावर फोर पावर आ जाएगा और इसका कोई पावर नहीं आएगा। तो इन तीनों को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, ये देखिए। तो एक चीज और समझ लीजिए आप, हम तो ये जो निकालेंगे केवल गैस के लिए निकालेंगे, सॉलिड के लिए नहीं निकलता, गैस या लिक्विड के लिए निकलता है। और यहां पर देखिए कि ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपके फार्मूले से, सिर्फ ये निकलेगा, तो ऊपर ऊपर का चीज बचा, ये देखिए NO2 का पावर 4 और O2, क्योंकि यही दोनों गैस के रूप में, अगर कोई लिक्विड के रूप में रहता तो लिखते गैस से लिक्विड, यहां पर तो है ही सॉलिड है, तो सॉलिड को तो काट देते हैं हम, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ये तीसरे वाले में ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है लेकिन इसका मान परिवर्तित नहीं होता, और H2O को भी अपन हटा देते हैं, आपको पता है, ठीक है। हालांकि इसको लिखेंगे यहां पर जरूर, चूंकि फार्मूले में दिया है। और इधर देखिए ये भी लिक्विड है एक्वस, और ये भी लिक्विड है एक्वस, एक्वस का मतलब लिक्विड ना, जली घोल, तो उसको ऊपर इसको नीचे, ये देखिए CH3COOH, ये देखिए लिख दिया ऊपर में, है ना, और उधर है C2H5OH, इसको भी लिख दिया, इधर है आपका CH3COOC2H5, मतलब ये जो है एक प्रकार का एस्टर है, ठीक है, एथिल मेथिल एस्टर है, और ये CH3COH तो एसिटिक एसिड है और वो एथिल अल्कोहल है ना, तो इनको नीचे लिख देंगे, इसको रखिए, ये देखिए CH3COOC2H5 और H2O, इसको आप नीचे रखिए, तो यहां पर कहीं पर भी स्क्वायर स्क्वायर का मामला नहीं है, सिंपल सिंपल लिख देना है। तीसरा आप देखिए ये आयरन 3+ है, मतलब फेरिक आयरन है क्वस में, और 3OH आयन है ना, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, FeOH थ्राइस सॉलिड है, तो ये तो कट गया, जो ऊपर में रहना था कट गया, एक हो गया, ये ऊपर का एक लिख दीजिए, देखिए एक लिख दिया, नीचे में दोनों को लिख दीजिए, है ना, ये एक क्यूब आ जाएगा, ये देखिए क्यूब आ गया, बाकी चीजें सेम, समझ पाए ना, सॉलिड को हटा देना है, और सॉलिड यहां पर हट जाएगा तो एक बटा जाएगा ना, फिर नीचे में आ जाता है, यहां पर ये सॉलिड ये हट जाएगा, अब ये पेंटा फ्लोराइड है और ये ट्वाइस IF5 बन रहा है, IF5 है ना, ऐसा है, दिक्कत ये है ना कि ये नीचे में ये क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ये नीचे वाला दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, इसलिए हमारा सारा जो है नीचे का एक कट जा रहा है, ये मैंने अभी स्टार्ट करते समय ध्यान नहीं दिया कि नीचे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बना हुआ है। तो ये तो सॉलिड कट गया, तो ये आ जाएगा ऊपर में, है ना, तो IF5 का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और F2 जो है पेंटा नीचे आ जाएगा, F2 का ये पेंटा पावर ऐसा आ जाएगी, क्योंकि वो गैस है, लिखा नहीं है तो फ्लोराइड गैस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसा आ रहा है नीचे में, ठीक है। चलो ये तो ले देखे दिख रहा है नीचे तक, तो हमारा काम चल रहा है। निम्न रासायनिक साम्य हेतु केसी के मान ज्ञात कीजिए, केसी का मान ज्ञात करना है, जबकि केपी का मान दिया हुआ है, ये केपी है,
केपी का मान दिया है, केसी का मान क्या देखना है, ठीक है। तो ट्वाइस एओ सीएल, ट्वाइस एओ प्लस सीएल, इसका केपी का मान दिया है, केसी का मान ज्ञात करना है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, CO2 गैस है, इसका केपी का मान दिया है, बहुत आसानी से निकालने वाला है आप देखिए, ठीक है। आप केपी का मान कैसे निकालेंगे, सॉरी केसी का मान कैसे निकालेंगे, आपको गैस के अणुओं की मात्रा में परिवर्तन निकालना है, गैस के अणु। जैसे यहां पर देखिए गैस के अणु दो हैं और यहां पर बने हैं तीन, तीन बने हैं, मतलब एक यहां पर है, दो ये है, तो तीन हो गए, तो दो के बजाय यहां पर तीन बन रहे हैं, मतलब गैस के अणु एक बार बढ़ गए। यहां पर एक भी गैस नहीं है और यहां पर एक गैस बढ़ा है, तो दोनों में एक एक गैस के अणु बढ़ रहे हैं दोनों फार्मूले में। पहले वाले में देखिए कि गैस के अणु डेल एन जी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में अंतर कितना है, तो इधर है तीन और इधर है दो, तो अंतर आ गया एक, तो डेल एन जी का मान एक आ गया, ठीक है। अब केपी का मान दिया है ना, और केपी बराबर होता है के सी आर टी के पावर डेल एन जी। अब केपी का मान पहले वाले में 1.8 × 10⁻², ये केपी का मान दिया है। केसी का मान आपको निकालना है, आर का मान, ये आर का मान है, ये आर का मान है, और टी का मान 500। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो टी का मान 500 केल्विन दिया है और इसमें भी टी का मान 1073 केल्विन दिया है, और आर का मान आपको मालूम है 0.82 आता है, तो आर का मान ये है, टी का मान ये है, ध्यान रखने के थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो अब के सी का मान आपको निकालना है, जबकि इधर इतना है और इधर इतना है, तो इन सबको इधर लाके भागित कर दो, तो भागित कर दोगे तो केसी का मान इजीली निकल जाएगा। इतना बड़ा कोई मैथमेटिक्स नहीं है, आपको केसी का मान निकालना है तो इसके साथ जो गुणा है उनको इधर भाग कर दो ला करके, तो केसी का मान आपको निकल जाएगा। वैसे अगले वाले में भी आप रख दीजिए, वहां पर भी डेल एन का मान 1 आएगा, क्यों, तो इधर एक गैस बन रही है, इधर बिल्कुल गैस नहीं है, तो एक बढ़ी है ना, तो डेल एन का मान वैसे ही रख देना है आपको फार्मूला में। केपी का मान दिया है 167, के पी का मान 167 है, केसी का मान निकालना है, आर का मान 0.082 और टी का मान दिया है 1073, ये रख दीजिए पूरा मान, तो ये कैलकुलेट करके 1.9 मोल आ रहा है। आपको फार्मूले में रखना आ रहा है, बस फार्मूले में रख दिए, कैलकुलेशन तो आपका अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न साम्य के लिए केसी का मान दिया है, ठीक है, ये केसी है, केसी का मान दिया है 6.3 × 10⁻³, 1000 केल्विन पे टी का मान, ठीक है, और ये साम्यावस्था है, एनओ गैस है, ओ गैस है, एनओ टू और O2 बन रहे हैं, ये सभी गैस है, ठीक है। अग्र प्रति अभिक्रिया साम्यावस्था में तत्वी द्वि आणविक अभिक्रिया है, तो प्रतिक्रिया विपरीत क्रिया के लिए के सी का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए के सी का मान विपरीत अभिक्रिया के लिए पूछ रहा है, अगली अभिक्रिया का तो दिया है इतना, समझ रहे हो, ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके लिए केसी का मान दिया है, तो विपरीत दिशा के लिए केसी का मान क्या होगा, बहुत सिंपल है, इससे उल्टा हो जाएगा, जितना इसका दिया है उसको भागित कर दीजिए, ये देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के 1/केसी आ जाएगा, केसी ये देखिए मान दिया है अग्र के लिए, पश्च के लिए 1/ आ जाएगा, इसको आप निकालें तो आ जाएगा 159, ठीक है। मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि अग्रगामी की बजाय यह अभिक्रिया पश्चगामी होना ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि आगे के लिए केसी का मान देखिए काफी कम है, 0.163
है ना, एक तो तीन नहीं 5063 आएगा, 5063। और जबकि विपरीत दिशा के लिए आ रहा है 159, आगे के लिए बहुत कम है, पीछे के लिए ज्यादा है मात्रा, इसलिए ज्यादा पीछे की तरफ जाना पसंद करेगी अभिक्रिया। खैर उसमें निम्न निकालना है आपको, सिर्फ यहां पर निकालना है कि आगे के लिए केसी कितना दिया है तो पीछे के लिए केसी कितना होगा, ये पूछना है, बस इतना ही करना है। शुद्ध द्रव व ठोस साम्य स्थिरांक व्यंजक लिखते समय क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक, शुद्ध द्रव या शुद्ध ठोस को हम साम्यावस्था स्थिरांक लिखते समय क्यों नहीं लिखते हैं? तो इसके पीछे कारण यह है, शुद्ध द्रव या शुद्ध ठोस तो इनमें स्थिर ताप पर शुद्ध द्रव या शुद्ध ठोस का घनत्व अणुभार स्थिर होता है, इसलिए उनकी मोलर सांद्रता स्थिर होती है जो साम्य स्थिरांक में शामिल होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोलों की संख्या बटा लीटर में आता है। ठीक है, कितने मोल कितने लीटर में है, और इसको कैसे निकालेंगे, तो उसका आणविक भार और आयतन को आप लिखेंगे। मोलों की संख्या कितनी है भाई, आणविक भार पर निर्भर करेगी ना, भार और आणविक भार। जैसे मान लो किसी चीज का आणविक भार 100 है और 100 ग्राम आपने लिए हो तो एक मोल लिए, ऐसा होता है, तो टोटल भार और उसका आणविक भार, भार भागित आणविक भार, इसका मतलब होता है कितने मोल हुए ये। ठीक है, कितने मोल हुए ये ऐसा निकलेगा, और बटा लीटर में आयतन आपको रखना है, इसके भी बटा आयतन। ठीक है, तो आप अगर इसको उलट पलट करोगे तो भार बटा आयतन, इसी को देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो भार बटा आयतन गुणित एक बटा अणु भार, ऐसा होता है। और भार बटा आयतन का मतलब होता है घनत्व, और बटा अणु भार, ये बटा अणु भार। इसलिए चूंकि ठोस और शुद्ध द्रव का घनत्व अणु भार स्थिर होते हैं, शुद्ध ठोस और द्रव शुद्ध द्रव का अणु भार किसी ताप पर स्थिर रहेगा, वो नहीं परिवर्तित होता है। ठीक है, इसलिए मोलर सांद्रता भी स्थिर होगी, और इसलिए हम उसको साम्यावस्था स्थिरांक में शामिल नहीं करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं साम्यावस्था स्थिरांक में उस चीज को। ठीक है, हमने अभी देखा ना कि सॉलिड को हटा दिया था और लिक्विड कहीं पर एच रहता है, H2O रहता है, तो उसको भी हटाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, N2 व O नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया निम्नानुसार हो रही है। कैसे हो रही है, तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों मिलके नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यदि 0.482 मोल नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का मोल दिया, ठीक है, 0.933 मोल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का दे दिया, को 10 लीटर के अभिक्रिया पात्र, मतलब आयतन 10 लीटर निश्चित ताप में रखकर N2O बनने के लिए रहता है, तो केसी का मान इतना है, मतलब बहुत नीचे है, साम्य पर मिश्रण का संगठन बताइए। ठीक है, लिख लेते हैं, पहले तो फार्मूला आप लिख लीजिए, बहुत अच्छे से फार्मूला दे दिया है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इस फार्मूले में शुरू में देखिए, नाइट्रोजन दिया था 0.482, ऑक्सीजन दिया था 0.933, और शुरू में तो यही बने रहेगा ना, बाद में बनेगा तो कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब मान लो साम्यावस्था पर 10 लीटर की अभिक्रिया पात्र है, तो सबको 10 से भाग करेंगे। ठीक है, शुरू में मान लो इसके एक्स बन रहे हैं, तो इसका 2x जाएगा और इसका x जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब केसी का मान दिया है,
क्योंकि ये बहुत कम मात्रा है केसी का मान का मतलब ये इधर बहुत कम बनेंगे, तो अभिकारकों की मात्रा कम नहीं होगी, हम ये मान के चलते हैं अभिकारकों की मात्रा नहीं के बराबर घटेगी, नहीं घटेगी अभी कह सकते हैं, ठीक है। तो साम्यावस्था में भी हम इतना ही रह गया ये मान लेते हैं हम, ठीक है। और N2O कितना बनेगा, तो x बटा 10 यानी 1 बटा 10 तो 0.1x ऐसा बनेगा मान लेते हैं। इनकी संख्या तो नहीं घटी, उसकी थोड़ी सी बढ़ गई ऐसा मान लेते हैं। तो अब Kc की वैल्यू रखेंगे, तो इधर का स्क्वायर रखेंगे, ये देखिए 0.1x का स्क्वायर और इधर का इसका स्क्वायर, इसका नॉर्मल, ये देखिए इसका स्क्वायर और ये नॉर्मल रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.0 × 10⁻³, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर आएगा, इतना एक्स स्क्वायर केसी का मान, इतना एक्स स्क्वायर आ रहा है इतना, क्योंकि यहां पर एक से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, केसी का मान एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक्स बराबर आएगा 6.6 × −20, इसको हल करेंगे क्योंकि इसको स्क्वायर अपन इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, मतलब −20 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसी होगा ना। तो N2O पे नीचे थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूं, N2O की मात्रा है 0.1 × 10⁻⁶, 6.6 × 10⁻², ये N2O का मान जाएगा, तो 6.6 × 10⁻²⁶ मोल पर लीटर N2O, N2O का मान निकल गया, ठीक है। और बाकी सबका तो पहले से था, पहले जितना था उतना ही है। साम्यावस्था में सभी का संगठन बताइए, लिखा है ना, तो साम्यावस्था में N2 का संगठन इतना, O2 का संगठन इतना, और N2O का संगठन जो है 6.6 × 10⁻²⁶ आ रहा है, 6.6 × 10⁻²⁶ ये आया N2O का संगठन, ठीक है, ये आया। बाकी संगठन तो मिल गया आपको, N2O का निकालना था, तो ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि 0.1x है ना उसका संगठन, और x की वैल्यू आ गई आपकी 6.6 × −20, ये x की वैल्यू आ गई, तो उसका 0.1 करेंगे तो वो ऊपर में फिर एक और माइनस चल जाएगा, तो 20 का 21 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड Br2 से अभिक्रिया कर नाइट्रोसिल ब्रोमाइड बनाता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है, (2NO + Br = 2NO Br), ठीक है, ये Br2 है ना, ध्यान रखेंगे Br2, ठीक। जब इतने मोल NO, इतने मोल Br2 को स्थिर ताप पर बंद पात्र में मिलाया जाता है, तो 0.0518 मोल NOBr साम्यावस्था में प्राप्त होता है। साम्य पर N और Br2 की मात्राएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो साम्यावस्था में NO और Br2 की मात्रा ज्ञात करनी है, क्योंकि NOBr की मात्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो NOBr की मात्रा कितनी दी हुई है, 0.0518 इतनी दी हुई है साम्यावस्था में, तो इनकी मात्रा ज्ञात करिए, ये लिख रहा है, ठीक है। तो शुरू में इसकी मात्रा 0.087 और इसकी NO की मात्रा 0.087 थी और Br2 की मात्रा 0.0437 थी, और साम्यावस्था की बात कितनी होगी ये देखना है अपने को, ठीक है। अब देखिए कि 0.0518 मोल NOBr आपको बनाना है, तो उसमें NO के उतने और Br के उतने यूज हो जाएंगे, है ना, देखिए 0.0518 मोल NOBr आपको बनाना है, तो उसमें NO के इतने और Br के इससे आधे खपेंगे, क्योंकि ये Br2 है ना, तो आधे खपेंगे Br के,
ठीक है, ये देखिए आधे, यानी कि Br2 के आधे खपेंगे, 0.0259 खपेंगे, यूज होंगे, ठीक। तो NO की मात्रा कितनी होगी, तो जो यूज हो गई उसको निकाल दो, जो बची वो बची साम्यावस्था में, तो यूज हो गई इतनी, लिया था आपने इतना, तो इतने में से इतने को घटाइए, ये देखिए लिया था इतना, साम्यावस्था में यूज हो चुका है इतना, तो बचा इतना, ठीक है। Br2 का कितना लिए थे, इतना, और यूज कितना हुआ, इतना, ये देखिए इतने में से यूज कितना हो उसको घटा दीजिए तो इतना बचा। तो साम्यावस्था में कितना बचेगा, जितना यूज हो गया उसको घटा दीजिए जितना लिया था उसमें से, तो वो बचेगा, ठीक है। तो यूज हो गया वो मैंने बताया आपको, और बचा उसको निकाल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, 450 केल्विन पर यहां पर केपी का मान दिया है, केपी, ये केपी है, केपी का मान दिया है इतना बार, साम्यावस्था का ये फार्मूला है, अब इसमें केसी का मान आपको निकालना है, केसी का मान, ठीक है। तो गैस देखिए, सभी गैस है, तो दो बन रहा है और तीन यूज हो रहा है, तो गैस की मात्रा माइनस वन हुई, डेल एल जी की मात्रा माइनस वन हुई, ये देखिए माइनस वन, डेल एल जी का मान माइनस वन, और केपी का मतलब होता है केसी आर टी, एक मिनट, केपी इज इक्वल टू केसी आर आर टी माइनस वन, क्योंकि यहां पर डेल एन जी रखा है आपने, है ना, डेल एन जी ये इतना आया है, ठीक है। अब मान रखिए केपी का मान आपको दिया है, केसी का मान आपको निकालना है, एक मिनट, ठीक है, केपी का मान दिया है, केसी का मान निकालना है, और ये आर टी माइनस वन लिखा है, मतलब ये नीचे आ जाएगा, केसी के नीचे आ जाएगा, ये नीचे आया, नीचे क्यों आया पता है, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अगर माइनस वन लिखा है, माइनस वन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बटा है, ये ऐसा है, इसका ये मतलब है। तो यहां पर देखिए आर टी के ऊपर माइनस वन लिखा है, तो ये नीचे में आया है, देखिए बटा हो गया, तो केसी के बटा इतना, आर टी का मान इतना है, और टी का मान 450 के भी दिया है, देखिए, है ना, R का मान तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 0.083 याद करना पड़ेगा, है ना। अब केसी का मान निकालना है, तो इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, गुणा कर दो, गुणा कर दोगे तो इतना जाएगा, ठीक। तो केसी का मान बहुत सिंपल तरीके से आपका मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करते हैं, थैंक यू।